उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं 24 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। मथुरा जनपद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 76,653 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। और आइए बोर्ड की परीक्षा के लिए जो तैयार है छात्र पूरी तरह से अपना मनोयोग से अपनी तैयारी को लेकर और आज विद्यालय से जो अंतिम उनका जो कार्य होता है प्रवेश पत्र लेना एडमिट कार्ड उसको लेकर वो यहाँ स्कूल से आप पूरी तरह से तैयार है। तो आइए इन छात्रों के पास चलते हैं, से पूछते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है, एग्जाम सर पर है। क्या नाम है आपका? किशन। किशन कौन सी क्लास से पढ़ते हो सर? 12th A। 12th में, 12वीं क्लास में। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स? आर्ट्स। क्या क्या विषय है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो संस्कृत नहीं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरशास्त्र। सबसे अच्छी तैयारी किस विषय की है पांचों में से? नागरशास्त्र। नागरशास्त्र की। और क्या उम्मीद लेकर चल रहे हो कि इस बार परीक्षा में कितने परसेंट अंक लाओगे? तो 60% तक आ जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन से पढ़ते हो? 12th A। 12वीं में पढ़ते हो? हाँ सर। अगर मैं बात करूँ बोर्ड की परीक्षा आ गई तो कैसी तैयारी चल रही है? सर सही चल रही है अभी। कहीं कोई विषय जिसमें कमजोर अपने आप को समझ रहे हो या सब में परफेक्ट? नहीं सही है सर अभी। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 2-2.5 घंटे सर। 2-2.5 घंटे बस स्कूल के अलावा या टोटल? नहीं सर स्कूल के अलावा। आपका क्या नाम? रोहित कुमार। अगर मैं बात करूं बोर्ड के एग्जाम है तैयारी कैसी? सर बढ़िया चल रही है। बढ़िया। कौन से डिवीजन पास हो? सर जी है फर्स्ट। फर्स्ट लाओगे? तैयारी है। यस सर। देखिए ये में उत्साह है और बोर्ड के 12वीं क्लास के छात्र है। आपका क्या नाम है? सर कुणाल सैनी। कुणाल सैनी। कब से परीक्षा? 24 मार्च से। कौन सा पेपर है पहला? पहला हिंदी का। हिंदी की बात करूँ तो तैयारी कैसी है आपकी? सही है हिंदी की तैयारी अभी है? सही है, हो रही है। हिंदी को लोग बड़ा हल्के में लेते हैं और फिर हिंदी में उनके बहुत कम नंबर आ जाते हैं। आप कैसे मान के चल रहे हो हिंदी? नहीं सही मान के चल रहा हूँ मैं तो। हाँ पाँच विषय होते हैं, सबसे बेहतर तैयारी कौन से विषय की है? हिंदी ही कर रहे हैं सर हम तो। सही है। और क्या क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ तैयारी को लेकर क्या? बढ़िया। बढ़िया। कौन से डिवीजन पास होने का माने? फर्स्ट। फर्स्ट डिवीजन। देखिए छात्रों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ आज विद्यालय में आए, इस वक्त हम सुभाष इंटर कॉलेज में हैं। ये यहाँ से प्रवेश पत्र लेकर जा रहे हैं, 24 तारीख को इनका पहला हिंदी का पेपर है और उसी उत्साह उमंग के साथ आज ये यहाँ मौजूद हैं। आइए और भी कुछ छात्र उनसे पूछते हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश। यस सर। कौन सी क्लास से पढ़ते हो? सर 12th में। 12th में। यस। अगर मैं 10वीं की बात करूँ तो 10वीं में कितने प्रतिशत अंक थे आपके? सर मेरे 60% हैं। यस सर। इस बार कितने मान के चल रहे हो? सर समथिंग 65 के समथिंग में। यस सर। पर्याप्त मानते हो आगे की पढ़ाई में जाना है वहाँ के लिए पर्याप्त है इतने 65%? यस सर पर्याप्त है आगे। ज़्यादा की सोच नहीं चलते 70 हो 80 हो? सर ये तो इंसान की जो परसेंटेज वैल्यू नहीं रखता, इंसान की जो माइंड है ना वो वैल्यू रखता है, उसकी जनरल नॉलेज माइंड वो रखती है बस। यस सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। क्या क्या विषय है आपके? सर मेरे पास हिंदी है, इंग्लिश है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है। पांचों विषय में तैयारी कैसी है? सर अच्छी है, सब अच्छी है। अच्छा बोर्ड की जो परीक्षा है और 24 से शुरू है 12 अप्रैल तक है, तो इनको कैसे तो अपने प्लान किया है, किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है जिससे कि अच्छे मार्क्स आए? सर इसमें तो हिंदी पर सबसे ज़्यादा ध्यान चल रहा है, हिंदी का पेपर सबसे पहले आ गया है, उसके बाद फिर 30 तारीख को है इंग्लिश का, इंग्लिश पे उस पर ध्यान जाएगा, फिर सर 31 तारीख को इतिहास का है। बीच में कोरोना रहा है 2 साल, अगर आपकी बात करूँ 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई है उसमें ऑनलाइन भी हुई है ऑफलाइन भी हुई है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी रहे होंगे, तो इसलिए तैयारी को मैं पूछूँ तो कितना परसेंट आप मान के चलो कितने तो मुझे लाने ही लाने आ रहे हो? मुझे 65 से 75 तक के बीच में लाना है सर, आना है सर, टेंशन तक पहुँचना है। हाँ सर पहुँचना है सर। चलिए हमारी शुभकामनाएँ। और देखिए ये छात्र है बड़े उत्साह के साथ यहाँ आज विद्यालय का जो माहौल है प्रवेश पत्र लेने आए हैं। और मैं बता दूं कि 24 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उसके चलते परीक्षा कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ गया है, लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो पूरा उत्साह के साथ है और हम भी चाहेंगे कि इन्होंने जो अपना लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को ये प्राप्त करें और आगे बढ़ें। आइए आपको अब कॉलेज के जो टीचर्स हैं यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे बात करते हैं कि परीक्षा को लेकर उनकी क्या तैयारियाँ, क्योंकि उनका विद्यालय भी परीक्षा केंद्र है तो उसको लेकर उन्होंने क्या तैयारी की है। मेरा
मेरे यहाँ 13 कक्षों में परीक्षा होगी और प्रत्येक कक्ष में कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाँ जहाँ बच्चों को बैठाया जाएगा तो डिस्टेंस का भी हम पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि इंटीरियर में भी इस तरह की नकल की कोई संभावना नहीं रह गई। पूरे मथुरा जनपद में बोर्ड की परीक्षाओं को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए 152 परीक्षा केंद्र बनाए, उन्हीं में से एक परीक्षा केंद्र पर हम मौजूद हैं सुभाष सेंट्रल कॉलेज मथुरा शहर के बीच में। मेरे साथ सुभाष सेंट्रल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी मनवीर सिंह जी मौजूद, आई उन्हें जाने कि किस तरह से परीक्षा की तैयारियों की उन्होंने व्यवस्था की है, क्या खाका खींचा जिससे कि शासन की मंशा के अनुरूप नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न हो सके। हाँ देखिए, 24 मार्च से हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा शुरू होनी है। 2 पालियों में परीक्षा होगी, प्रातः और शाम की पाली में। तो सुबह की पाली हमारे यहाँ 7:30 से और शाम की पाली 2 बजे से शुरू होगी। तो उसमें छात्र छात्राएं हैं, उसमें मेरे यहाँ जो सेंटर है वो उसमें 142 हाई स्कूल के और 196 इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं, टोटल 338 हैं। हाई स्कूल में हमारे यहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज मथुरा से, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से छात्र आए हैं और कुछ हमारी जो गर्ल्स हैं वो सेल्फ सेंटर उनका रहता है तो वो हैं। ऐसे ही इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ कई विद्यालयों से सेंटर पढ़ा है, जिसमें इस्लामिया इंटर कॉलेज, KHD इंटर कॉलेज महावन, क्लेंसी इंटर कॉलेज मथुरा, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा और हमारी सेल्फ सेंटर की छात्राएँ। तो ऐसे करके ये जो है इतने छात्र छात्रा हमारे यहाँ परीक्षा देंगे, जिसकी हम पूरी तैयारी करा रहे हैं। पूरे विद्यालय को धुलाई करवाइए, फिर उसका सैनिटाइजेशन कराएंगे, क्योंकि कोरोना का जो दंश हम झेल चुके हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो भी हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी दिशा निर्देशों के अंतर्गत हम परीक्षाएं कराएंगे। एक सीट पे एक छात्र बिठाना है, ठीक है, उनके बीच में 4 फीट का गैप होना चाहिए, उसका हम पालन करेंगे। मास्क बच्चों पर एसेंशियल कर दिया है और जैसे उनकी एंट्री होगी तो उनका टेम्परेचर देख करके और उनको सैनिटाइजेशन उनका कराएंगे। तो इस तरीके से प्रतिदिन हम परीक्षा यहाँ पे ये सब प्रतिदिन चलेगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल की बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है वो है नकलविहीन परीक्षा कराना, उसके लिए क्या बंदोबस्त है आपके यहाँ? हाँ, तो उसके लिए तो शासन स्तर से ही बड़ी सख्ती है, उसके लिए CCTV कैमरे हैं और गेट पर भी है, जहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम है विद्यालय का उसमें भी है और प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उससे भी ऊपर की बात यह है कि जो जब परीक्षा होगी उस दौरान हमारे सारे जो कैमरे होंगे वो कंट्रोल रूम मथुरा और कंट्रोल रूम लखनऊ से सम अटैच हैं, तो परीक्षा के दौरान कभी भी ये देखा जाएगा, किसी भी कक्ष को वहाँ पर चेक किया जाएगा, तो ये ऑनलाइन रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी कीमत पर कोई परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट रहेगा, तो लाइव टेलीकास्ट होने की वजह से नकल की कोई संभावना नहीं है। इसके मोरओवर प्रशासन की इतनी सख्ती है कि एक केंद्र व्यवस्थापक के साथ एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाया गया है, जहां पर क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं उसमें डबल लॉक है, एक लॉक की चाबी अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी और एक लॉक की चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी, दोनों उपस्थित होंगे तभी वो खुलेगा। तो इस तरीके से पेपर आउट होने का कोई सवाल नहीं बनता। इसके बावजूद जो एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेगा, ठीक है ना, और फिर फ्लाइंग टीमें रहती हैं। तो ये मुझे लगता है कि इंटीरियर में भी इस तरह की नकल के कोई संभावना नहीं रह गई है। मेरे यहाँ 13 कक्षों में परीक्षा होगी और प्रत्येक कक्ष में कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाँ जहाँ बच्चों को बैठाया जाएगा तो डिस्टेंस का भी हम पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर थाना कोतवाली मथुरा में हमारा विद्यालय आता है, तो वहाँ पर भी कल हमने सूचना भिजवा दी है, तो आज से ही कॉन्स्टेबल यहाँ सुरक्षा में आ जाएंगे डे और नाइट, और परीक्षा के दौरान भी पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी। छात्राओं के लिए लेडीज़ कांस्टेबल यहाँ रहेंगी और जेंट्स के लिए, जो छात्रों के लिए, वो जेंट्स कांस्टेबल या जो भी पुलिस वाले वो व्यवस्था रहेगी। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि नकल विहीन परीक्षा की जो मंशा है शासन की वो पूर्ण रूप से वो उनकी मंशा का पालन होगा। मनवीर जी ने पूरे विस्तार के साथ अपनी जो तैयारी की है उसकी पूरी जानकारी बताई है और वाकई में उनकी बातों से लग रहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप वो बिल्कुल खरा उतरने का उनका प्रयास है। जिस तरह की उन्होंने अपनी व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है, CCTV हो या उनके सचल दल हो और कैसे पेपर को डबल लॉक में रखा जाएगा, उसकी चाबी एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक होगी, तो सारे इंतजाम इसलिए किए गए कि कहीं कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो दिशा निर्देश है उसका पालन
करते हुए पूरी तैयारी है, चाहे वो छात्रों की बात हो। आपने सुना छात्र पूरे उत्साहित हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर, वहीं विद्यालय प्रबंधन और वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, और जनपद भर के लिए क्या व्यवस्था है। तो आइए हम बात करते हैं हम मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह से कि किस तरह का उन्होंने पूरे जनपद भर में खाका खींचा है। जो हमारी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 24 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। इस पूरी परीक्षा को कराने के लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से इसको 3 सुपर जोन में बांटा है, और इसकी तैयारियां इस समय लगातार युद्ध गति से की जा रही हैं। सबसे अहम जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक की होती है अपने जनपद में पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए, और इसके लिए काफ़ी समय से यहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। अब 24 मार्च से जो परीक्षा होंगी उसके लिए फाइनल क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, कितने सेक्टर हैं, कितने जोन सुपर जोन और कितने परीक्षा केंद्र हैं, कितने परीक्षार्थी, आइए पूरी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के DIUS डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, बताएं सर। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022 की जो हमारी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 24 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, जो कि 12 अप्रैल तक चलेंगी। इस पूरी परीक्षा को कराने के लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से इसको 3 सुपर जोन में बांटा है, उसके अलावा 5 हमारे जोन हैं, 16 सेक्टर हैं, और जो हमारे 152 सेंटर्स हैं 152 सेंटर्स हैं उसमें सभी में एक एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती जिलाधिकारी द्वारा की गई है। इस वर्ष जो हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटर के कुल छात्र हैं उनकी संख्या 76,653 है, जिसमें हाई स्कूल के 42,944 और इंटरमीडिएट के 33,709 छात्र छात्राएँ परीक्षाएँ दे रही हैं। और ये इस बार जो केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती बोर्ड द्वारा की गई है, कक्ष निरीक्षकों की भी तैनाती का कार्य जो है वो बोर्ड द्वारा ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जिस पे प्रयास ये किया गया है कि रैंडमाइजेशन करके, जैसे हम इलेक्शन की ड्यूटी लगाते हैं उसी तरह रैंडमाइजेशन करके इन ड्यूटियों को लगाया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त केंद्र व्यवस्थापकों की, SDM साहिबान की और CO साहिबान की बैठक चंपा इंटर कॉलेज में पहले ही करा दी गई है, और इसकी तैयारियां इस समय लगातार युद्ध गति से की जा रही हैं। इसकी जो समय क्या रहेगा दोनों पालियों का? हाँ, दोनों पालियों के समय के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रातःकाल की परीक्षाएँ हैं वो 8 बजे से 11:15 तक, मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगा कि प्रातःकालीन जो परीक्षा है वो प्रातः 8 बजे से 11:15 तक चलेगी, और जो सायंकालीन परीक्षा होती है हमारी वो 2 बजे से 5:15 बजे तक सायंकालीन परीक्षाएं चलेंगी। सवा 3 घंटे का समय दिया गया, जिसमें बोर्ड ने 15 मिनट का समय अलग से बच्चों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है, जिससे कि बच्चे प्रश्न पत्र अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद परीक्षा में अपना लिखने की कार्रवाई प्रारंभ करें। सर, इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है नकल पर काबू पाना, रोकना। हालांकि पिछले अगर हम बात करें 10 साल पहले की तो उसमें काफ़ी अंतर आया है, तो इस बार भी उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए जिससे कि नकल भी न हो? हाँ, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि 2020 की परीक्षा में भी ये प्रयोग किया जा चुका है कि इसमें विभिन्न स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, जैसे जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनता है, राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनता है, विद्यालयों के जो कमरे हैं जहाँ पर बच्चे परीक्षाएँ देते हैं वहाँ पर कैमराज लगे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगे होते हैं, जिनका सीधा कनेक्शन डिस्ट्रिक्ट में स्थित कंट्रोल रूम पर और स्टेट में स्थित कंट्रोल रूम पर होता है। हम यहाँ से किसी भी परीक्षा केंद्र के किसी भी कमरे में हो रही परीक्षा को सीधे ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक बच्चों के मन में भी और केंद्र व्यवस्थापकों के मन में भी इस बात की काफ़ी भरोसा पैदा हो गया है कि जो परीक्षाएं कराई जाएंगी वो सुचितापूर्ण ढंग से नकल विहीन कराई जाएंगी, जो कि सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मथुरा में कंट्रोल रूम हमारे GIC पर बनाया गया, GIC मुख्यालय में बनाया गया है, जहाँ पर 152 जितने भी सेंटर्स हैं हमारे सारे कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, जिसका ड्राई रन भी एक बार किया जा चुका है, और कंट्रोल रूम से ही जो नंबर्स हैं और जो संपर्क किया जाता है और जो निर्देश दिए जाते हैं वो केंद्र व्यवस्थापकों को सीधे यहाँ से प्रदान किए जाते हैं। एक ड्राई रन हमने कर लिया है, जिसमें कोई केंद्र ऐसा नहीं मिला जिसमें कैमरा ना चल रहा हो, लेकिन हाँ, कुछ 1-2 कमरों में जो कैमरों की प्रॉब्लम थी वो उनको निर्देशित कर दिया गया है, 24 तारीख के पहले पहले उसको भी सही करा लिया जाएगा। कई जगह ये सब बात ही आती है, जब कैमरा बंद होता है तो स्कूल से केंद्र सब कहते हैं कि बिजली की समस्या रही, लाइट ना होने के कारण वो सिस्टम नहीं चल पाया,
अब वो तकनीकी खराबी नहीं या जानबूझ के किया गया, तो उससे निपटने के लिए क्या है? हाँ, ये चीज़ पिछली परीक्षाओं में भी आई है कि लोगों द्वारा कहा गया कि कनेक्टिविटी का इशू आ गया, ग्रामीण क्षेत्र में संस्था है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है या बिजली चली गई है। तो इसमें एक चीज़ ये देख रहे हैं हम लोग, कंट्रोल रूम में मैंने निर्देश भी दिए हैं कि यदि इस तरह का कोई ब्लैकआउट आपको दिखता है अपने स्क्रीन पर कि किसी परीक्षा केंद्र में किसी पर्टिकुलर कमरे में अगर कैमरा नहीं काम कर रहा है या पूरे परीक्षा केंद्र का कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो हमारे यहाँ सचल दल का गठन किया गया है। हम इमीडिएटली वहाँ पर सचल दल को मूव करेंगे जो कि वहाँ पर होगा, जो उस एरिया में सचल दल होगा वो जाके वहाँ पर इस बात को इंश्योर करेगा कि ये सही में तकनीकी गड़बड़ी से हुआ है या इसमें कोई मानवीय साजिश या कोई इस तरह का दुर्भावना तो नहीं है। हाँ, ये प्रयास किया जा रहा है कि वैसे आप जानते हैं कि परीक्षाओं के मामले में मथुरा संवेदनशील रहा है, विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें लोगों द्वारा प्रयास किया गया है कि उसकी शुचिता प्रभावित हो जाए, लेकिन 2020 की जो परीक्षा हुई थी और जो कैमरे के अंदर परीक्षाएं हो रही हैं सरकार की निर्देशन में, तो उसमें काफ़ी हद तक मैं ये बात कहूँगा कि परीक्षाओं की शुचिता को और नकलविहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने का हमने प्रयास किया है। सुना डीआईएस महोदय ने पूरे विस्तार से अपने परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी है कि किस तरह की तैयारी उनके द्वारा की गई है, और मैं बताना चाहूँगा कि डीआईओ साहब के निर्देशन में तीसरी बार मथुरा जनपद में 2020 में कार्यान्वयन किया, उसके तुरंत बाद बोर्ड के एग्ज़ाम, उसके बाद फिर 21 और अब 22 तीसरी बार परीक्षा करा रहे, तो जाहिर सी बात है उनके पास अनुभव भी है और 152 केंद्रों पर किस तरह से करानी है उसकी पूरी तैयारियां की गई हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि मथुरा में जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा दें वो अपने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी तैयारी के साथ दें, जिससे कि उनका भविष्य आने वाला जीवन स्वर्णिम हो और उसके आधार पर वो अपना भविष्य तय करें। जीरा न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। जो हमारी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 24 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। इस पूरी परीक्षा को कराने के लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से इसको 3 सुपर जोन में बांटा है और इसकी तैयारियां इस समय लगातार युद्ध गति से की जा रही है।